हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का दो ठो डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि टीसीएस की तरफ से रिजेक्शंस मेल नहीं आते हैं। मैंने काफी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करके बताया भी था कि टीसीएस की तरफ से अपडेट आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो सिलेक्शन का हो या फिर रिजेक्शंस का हो। और दूसरा जो अपडेट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो काफी लोगों को रिसीव हुआ था, डॉक्यूमेंट सबमिशन रिगार्डिंग आप लोगों को मेल रिसीव हुआ था, जिसमें आप लोगों को सीवी और फोटो अपलोड करना था। तो उसका भी टीसीएस की तरफ से रिप्लाई आया है। आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो उसका क्या मतलब था। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि टीसीएस की तरफ से रिजेक्शंस मेल आना स्टार्ट हो गया। आज काफी स्टूडेंट्स को रिजेक्शंस मेल रिसीव हुआ है। मेल आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टीसीएस बीएससी स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीटिंग फ्रॉम टीसीएस, उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे साफ साफ आपको बता देगा कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। विप्रो विल फायरिंग अभी भी लाइव है, 30 तक आपके पास टाइम है। विप्रो में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको विप्रो विल का लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन रिलेटेड जो मेल आया था उसका क्या मतलब था। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुआ था डॉक्यूमेंट सबमिशन का, जिसमें सीवी और फोटो अपलोड करना था। तो काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसका क्या मतलब है। तो मैंने एक स्टूडेंट से मेल का रिप्लाई करवाया था वहां पे टीसीएस को, तो टीसीएस की तरफ से ये मैंने मेल करवाया था। उसके बाद टीसीएस की तरफ से रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे टीसीएस की तरफ से ये रिप्लाई आया है, काइंडली शेयर द मेल विच यू हैव रिसीव्ड। तो जो मेल हम लोग आप लोगों को रिसीव हुआ था वो यहाँ पे टीसीएस ने बोला था शेयर करने के लिए, तो मेल यहाँ पे शेयर किया था उसने। ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो एक अटैचमेंट का पीडीएफ था, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे टीसीएस का रिप्लाई आया है कि वुड यू रिक्वेस्ट यू टू इग्नोर द मेल। बस टीसीएस की तरफ से वो कुछ भी नहीं था, वो सिस्टम जनरेटेड मेल था जो कि सबको रिसीव हुआ था। उसका कोई भी मतलब नहीं था, ना ही कोई सिलेक्शन मेल था, ना ही रिजेक्शन मेल था। तो टीसीएस खुद बोल रहा है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो मेल बस सिस्टम जनरेटेड था और कोई मतलब नहीं था उसका मेल का। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।